नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज टीवी न्यूज। मैं संदीप गुप्ता। आगामी लोकसभा के 2019 की चुनाव की तैयारी में सभी पार्टी दल के लोग लग चुके हैं। ऐसे ही हम एक बड़ी खबर की ओर आपका रूबरू कराते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष खालिद गुड्डू चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा 2019 की चुनाव की तैयारी में सभी पार्टी दल के लोग लग चुके हैं अपनी अपनी तैयारियों में। ऐसे में जो युति की बात की जाती है, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की जो युति है उसमें भी भेदभाव देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी भेदभाव देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष खालिद गुड्डू लोकसभा के चुनावी मैदान का पर्चा भरने की तैयारी में जुटे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार जानकारी प्राप्त हुई है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष खालिद गुड्डू चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर के जितने भी संगठक के लोग हैं, गत दिनों पहले पत्रकार परिषद में उन्होंने विरोध जताया था कि जो पैराशूट के उम्मीदवार आने वाले हैं उसका खुलकर विरोध करेंगे। कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो गुटबाजी है वो फिर से दोबारा दिखाई देने लगी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष खालिद गुड्डू जो चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, ये भी एक चर्चा का विषय दिखाई दे रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज टीवी न्यूज़। धन्यवाद।